निश्चित मिरकोटेचा हे मुलुडचे आमदार म्हणून लोकप्रियता आणि कामामध्ये अव्वल आहेत आणि मिरकोटेचा हे ईशान्य मुंबईमधून एक मोठ्या मताधिक्याने जिंकून येतील। नरेंद्र मोदीजींना पंतप्रधान करण्यासाठी ईशान्य मुंबई पूर्णपणे सज्ज आहे आणि ही निवडणूक आम्ही एक मोठ्या मताधिक्याने जिंकू। एक काही मुंबईचे विषय आहेत की ज्याच्यावर सातत्याने मी उपमुख्यमंत्रींना भेटत असतो, आज देखील तशी रुटीन भेटच होती आणि ह्या सगळ्या विषयावरती पाठपुरावा करून मुंबईचे विषय मार्गी लावणं हे आमचं प्राधान्य असतं। नगरसेवक होतात, खासदार झालात, आता चर्चा अशी आहे की तुम्ही पुन्हा विधानसभेमध्ये येऊ शकता। मला वाटतं की भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष हे सगळ्या जबाबदाऱ्या ठरवत असतो। नगरसेवक करून खासदार केलं, खासदार करून जनतेची सेवा करण्याची एक मोठी संधी मला पक्षाने दिली होती। निश्चित पक्षाचं काम करत राहणं हा आमचा सगळ्यांचा स्वभाव आहे आणि पक्षाचं काम करून मोदीजींना पंतप्रधान करण्यासाठी आम्ही सगळे मार्गी लागले। बिलकुल नाही, तुम्हाला वाटतंय असं? आपण नेहमीच भेटत असतो, नेहमीच गप्पे मारत असतो आणि तिकीट कापलं वगैरे नसतं, जबाबदाऱ्या निश्चित होतात आणि या सगळ्या जबाबदारीचं वहन करण्याचं काम कार्यकर्ता म्हणून आम्ही करत असतो। गोपाळ शेट्टींच्या कार्यालयाबाहेर कुठेतरी कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, घोषणाबाजी झाली आहे, तुमच्या मतदारसंघात नाही? मला वाटतंय की गोपाळ शेट्टीजी हे देखील पक्षाचे वरिष्ठ कार्यकर्ते, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना स्वाभाविक वाटणं हे स्वाभाविक आहे, परंतु सगळेच मिळून मोदीजींना पंतप्रधान करण्यासाठी मुंबईच्या सहाही जागा हे महायुती निवडून आणेल। लोकसभा का तिकट है वो आपको मिला नहीं, आपकी जगह दूसरे उम्मीदवार को लिया है, इसे किस तरह से देखते हैं बीजेपी की कार्यप्रणाली को, जो सिर्फ लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लिया? भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है, अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारियों का वहन कार्यकर्ताओं को करने दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने ईशान्य मुंबई में हमारे विधायक मिहिर कोटेचा जी को उम्मीदवारी दी है और हम बड़े मार्जिन से ये ईशान्य मुंबई की सीट जीतने वाले हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता और जनता वहां पे सज्ज है, तो जिस हिसाब से निर्णय होता है सभी ये निर्णय के साथ में होता है। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कई लोगों का ऐसा मानना था कि आप ही को टिकट मिलेगा, ऐसे में आपको टिकट नहीं मिला, क्या आप नाराज हैं, क्या अपसेट हैं, आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, नहीं मिला, ऐसा नहीं? भारतीय जनता पार्टी में निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेतागण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग समय पे अलग अलग दायित्व दिया जाता है। अब विधायक मिहिर कोटेचा जी को ये दायित्व दिया गया कि वो ईशान्य मुंबई का प्रतिनिधित्व करे। आप अगर एक घंटे के बाद हमारे ऑफिस पे आएंगे तो हम दोनों साथ में आपको बैठ देंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या आप? मैंने जैसे बताया कि ये सारी बातों का निर्णय पार्टी करती है, पार्टी अलग अलग समय पे दायित्व देने का काम करती है और हम सब कार्यकर्ता करके काम करते हैं। आज हमारा लक्ष्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ईशान्य मुंबई के साथ साथ मुंबई की छह सीट जिताना, ये हमारा लक्ष्य। मनोज जी, आपका एमपी बनना, एमपी का टिकट आपको देना वो भी सरप्राइजिंग था और आपका टिकट कटना वो भी सरप्राइजिंग है, तो क्या कैन बी एक्सपेक्ट एनीथिंग यू नो मोर सरप्राइजिंग देन दिस? सी, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, वी आर सर्विंग एज अ पार्टी कार्यकर्ता सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। हम बहुत लंबे समय से पार्टी में सभी मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमको ये सरप्राइजिंग नहीं लगता है। सरप्राइज आपको लग सकता है, पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारियां देती है जिसका सब हम मिलकर वहन करते हैं। जी, जहां अवकाश निवडून येणाऱ्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने स्वॅपिंग केलं गेलेलं आहे, गोपाळ शेट्टी असेल की तुम्ही, पार्टी अंतर्गत सर्वे होता, एंटी इनकम्पन्सी फॅक्टर अधिक जाणवला, काय कारण असू शकतील? मला वाटतंय की आज पक्षाचा निर्णय जो झालेला आहे त्या पक्षाच्या निर्णयामध्ये मोदीजींना पंतप्रधान करणं ही सगळी आमची प्राथमिकता आहे आणि मी सांगितल्याप्रमाणे मुंबईच्या साई जागा हे महायुती म्हणून आम्ही निवडून आणू। आज आप देवेंद्र फडणवीस मुलाकात की ऐसी चर्चा थी की आपको जब नगरसेवक थे फिर आपको सांसद बनाया गया, विधायक अब बनने की बात चल रही, तो क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई, आगे का प्लान ऑफ एक्शन? नहीं, मुझे लगता है आज की मीटिंग तो हमारे रूटीन मुंबई के जो अलग अलग प्रश्न है उसके ऊपर जो हमेशा हमारी मीटिंग रहती वो मीटिंग थी। पार्टी जो जिम्मेदारी तय करती है उस जिम्मेदारी को आगे ले जाना ये कार्यकर्ता करके हमारी जिम्मेदारी होती है। जब भी पार्टी हमारे बारे में कुछ सोचती है तो वो हमको सूचित करती है। आखिरी सवाल, अब टिकट किसी और को मिला है, किस तरह से आपका आगे का प्लान होगा, कैसे आप प्रमोट करेंगे, क्या एजेंडा होने वाला है? नहीं नहीं, वहाँ पे ईशान्य मुंबई में कार्यकर्ता, जनता, इन सभी में बहुत सक्षमता से जो पिछले वर्षों में कार्य हुआ है
10 साल में मोदी सरकार के कार्य को अलग अलग कोने में पहुंचाया गया है। विधायक मिहिर कोटेचा जी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत उम्दा कार्य करते हैं और उनके जनसंपर्क के आधार पर बाकी सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर हम ईशान्य मुंबई की सीट एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। आप नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं, नाराजी का क्या सवाल है, हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी जैसे काम देती है उस तरह से आगे बढ़ते हैं। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।